Hello friends, once again welcome back to Core Chemical Engineering channel. So today, in today's tutorial, we'll discuss about pump head curve, system head curve or tisra kya operating point for the centrifugal pump. So teen cheeze apne log discuss karne wale hain. Pehla kya apne log jo discuss karenge, pehla apne log pump head, pehla jo point apne log discuss karenge wo hai pump head curve, matlab head developed by the pump हेड कर्व. जो दूसरा चीज अपने लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिस्टम कर्व या और तीसरा क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप. ये तीन चीज़ अपने लोग डिस्कस करेंगे. ये क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में अपने लोग डिस्कस करते हैं. अभी क्या, जैसा हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है. ये अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, इसका वर्किंग मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. मान लो ये आपका रिजर्वायर हो गया, करेक्ट. आपका पंप यहाँ से क्या है सक्शन ले रहा है और एक दूसरे हाइट पर क्या है यहाँ से ये डिस्चार्ज हो गया, यहाँ क्या ये डिस्चार्ज दे रहा है. ये डिस्टेंस मान लो जेड वी है और ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है मान लो ये जेड वी है और ये डिस्टेंस क्या है जेड ए है. तो सबसे पहले अपने लोग डिस्कस करते हैं सिस्टम कर्व के बारे में. सिस्टम कर्व क्या होता है या परफॉर्मेंस कर्व क्या होता है. सिस्टम कर्व मतलब पंप के लिए कितना रेजिस्टेंस है सिस्टम में, मतलब कितने रेजिस्टेंस को पंप को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि वो एक हेड डेवलप कर सके, मतलब कि एक फ्लूड का फ्लो दे सके. अब बात करते हैं वो सिस्टम कर्व में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं. तो पहला जो कंपोनेंट आएगा यहाँ से सक्शन ले रहा तो एक हाइट पे है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को जेड ए को, इसको क्या बोलते हैं स्टैटिक लिफ्ट. दूसरा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप लोग, ये तो ओवरऑल टोटल हो गया, टोटल मतलब आपका टोटल स्टैटिक हेड हो गया सिस्टम के लिए. यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे अपने लोग, मान लो ये जेड बी डैश है तो इसको क्या बोलेंगे लोग डिस्चार्ज हेड. अभी क्या है मान लो एक कर्व मैं अभी ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ये आपका कर्व हो गया, करेक्ट. यहाँ आपका हेड हो गया, ये वर्सेस फ्लो रेट का एक कर्व है, ये हेड का हो गया, हेड वाई एक्सेस पे हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्सेस से हो गया. अभी क्या है एक हिसाब से इतना रेजिस्टेंस पंप को पहले मतलब एक काइंड ऑफ हाइट को ओवरकम करना पड़ेगा तो भी एक रेजिस्टेंस कॉज करेगा. तो ये हो गया आपका स्टैटिक टोटल हेड, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया आपका स्टैटिक हेड. अब बात आता है जैसे आपका क्या है, सपोज ये रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर जैसे आप पंप का सक्शन ले रहे हो, ये क्या इसका लेवल कांस्टेंट नहीं हो रहा, मतलब कोई मेकअप अगर नहीं हो रहा है वाटर का तो क्या ये धीरे धीरे खाली होता जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को अगर खाली हो रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल ड्रॉन. तो इसकी वजह से एक जैसे जैसे आपका फ्लोरेट बढ़ेगा, मतलब डिस्चार्ज का फ्लोरेट क्यों बढ़ेगा, वेल ड्रॉन क्या होगा आपका धीरे धीरे एक वैल्यू आएगा जो आपको बढ़ेगा. तो ये जो डिस्टेंस इतना हो गया ये क्या हो गया आपका जो रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है इसको क्या बोलते हैं वेल ड्रॉन. नाउ अब तीसरा कहता है कि जैसे से आप जानते हो कि जो फ्रिक्शन होता है किसी पाइप में या फिटिंग्स में, जब भी आपका कोई फ्लूड फ्लो होता है तो फ्रिक्शन कॉज करता है, बिकॉज जैसे उस पर टच करेगा एक विस्कस फोर्स वाल, जो आपका पाइप का वाल हो गया या फिटिंग्स हो गया या कंट्रोल वाल हो गया या फिर आपका मान लो एक कोई बेंड है, वहाँ सब पे क्या है एक रेजिस्टेंस कॉज होगा, फ्रिक्शन कॉज होगा. तो उसकी वजह से कोई ना कोई सिस्टम को क्या होगा ओवरकम करना पड़ेगा, तो भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो गया इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये सारा क्या है फ्लो रेट के साथ क्या है आपका देख रहे हो बढ़ रहा है, ये वाला कॉन्स्टेंट रहेगा एट एनी केस्ट, बट जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ेगा आपका क्या वेल ड्रॉन बढ़ेगा और फ्रिक्शन बढ़ेगा. अब तीसरा आपका किस टाइप का हो सकता है,
जो रेजिस्टेंस कोई सिस्टम को कॉज कर रहा है। मान लो आपका ये 0 kg प्रेशर है और आपको 12 kg प्रेशर पे डिस्चार्ज देना है, तो 12 kg का क्या आपका एक काइंड ऑफ बैक फ्लो है, तो ये भी तो क्या है, एक ऑपरेटिंग हेड बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ेगा उसका भी क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग हेड हो गया बिकॉज ऑफ द किस प्रेशर पे आपको वो फ्लूड को पहुंचाना है, तो ये क्या हो गया आपको ऑपरेटिंग हेड। तो नेट इन सबको मिला के एक सिस्टम हेड कर्व बनता है, वो सिस्टम हेड कर्व रिप्रेजेंट करता है आपके पंप को कितने रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। तो ओवरऑल नेट इसका एक रिप्रेजेंटेशन आएगा, वो रिप्रेजेंटेशन आप मान लो कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ये आपका हेड हो गया और ये आपका फ्लो रेट हो गया, तो कुछ सिस्टम कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच एस प्लस के क्यू स्क्वायर। स्टार्टिंग में कोई स्टैटिक हेड रहेगा जो एच एस हो गया यहाँ पे, उसके बाद जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ रहा है आप देख रहे हो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैथमेटिकली हम लोग सिस्टम हेड कर्व को ऐसे लिख सकते हैं। अब बात हमारा आता है क्या, हेड डबल्ड बाय द पंप। तो उसका एक डेरिवेशन है जो आप बुक में पढ़ सकते हो, इवन मैं कैबिस में पढ़ा है, बट उसको मैं मैथमेटिकली शॉर्ट टर्म में आपको उसको समझाता हूँ। तो हेड डबल्ड बाय द पंप जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू यू टू बाय जी इन ब्रेकेट यू टू माइनस क्यू अपान ए पी टेन बीटा। ये क्या है आपका हेड डेवलप्ड बाय द पंप है, करेक्ट। अगर इसको ध्यान से देखोगे, आपको पता है कि जो वीक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका जो इंपेलर होता है, इंपेलर का जो ब्लेड एंगल होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए तभी स्टेबल होता है। उसका भी रीजन है, उसको मैं डिटेल्स में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो जब 90 डिग्री से लेस होता है तो क्या टेन बीटा की वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होना होता है। स्टेबिलिटी के लिए हमेशा बीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। आपको मैं इंपेलर बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका, मान लो छोटा सा ये मैंने बना दिया इंपेलर। तो इंपेलर कैसे होता, एक तो ये आएगा कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा और कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे एक आप टेंजेंट जैसा ड्रा करोगे, इसको जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को एक लाइन खींच दो, तो ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, हम ब्लेड एंगल बोलते हैं। और जो यहाँ पे टिप पे आता है आपका इंपेलर पे, इसको यहाँ रोटेट करोगे तो इसको वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यू टू। ये क्या हमारा टिप वेलोसिटी है, इंपेलर का टिप वेलोसिटी बीटा है। इसका आप देखोगे पेरिफेरल एरिया जो आपका तीन कंपोनेंट है ना, यू टू क्या आपका टिप वेलोसिटी हो गया, क्यू आपका क्या फ्लो रेट हो गया, बीटा आपको मैंने ब्लेड एंगल बताया, एपी क्या आपका पेरिफेरल एरिया। पेरिफेरल एरिया मतलब आप जैसे जानते होगे कि इसका एक इंपेलर का आप देखोगे तो एक ऐसा एरिया भी, मतलब एक विड्थ भी होता है। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, पेरिफेरल का एरिया अगर निकालना तो कैसे निकालोगे, काइंड ऑफ छोटा सा सिलेंडर हो गया, ये थोड़ा सा विड्थ हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो आपका पेरिफेरल एरिया है क्या, टू रेडियस अगर आ रहा है तो 2πr(b) हो जाएगा। तो ये आपका एपी का वैल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने लोग हेड डेवलप, दिस ये क्या हो गया आपका हेड डेवलप बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब यहाँ पे बात एक आता है कि आपका जो क्यू है, जैसे जैसे आपका क्यू बढ़ेगा तो एच पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आपका पॉजिटिव आ गया, तो क्यू जैसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो क्या होगा आपका वैल्यू काइंड ऑफ वो डिक्रीज होगा, मतलब जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ेगा वो आपका डिक्रीज होगा, करेक्ट। अब मान लो मैं बोलता हूँ आपको अगर क्यू की वैल्यू जीरो है, फ्लो रेट जब आपका जीरो है उसी की वैल्यू तो पॉजिटिव, उस केस में आपका हेड क्या होगा यू टू स्क्वायर बाय जी, ये क्या होता है मैक्सिमम हेड डेवलप्ड बाय द पंप। जब आपका फ्लो रेट जीरो है, मतलब अगर हम इसको जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था एच एस वर्सेज क्यू वर्सेज, अगर यहाँ पे इसको एक चलो इसी में ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये क्यू हो गया आपका, ये एच हो गया, एच एस स्टैटिक हो गया, ये सिस्टम कर्व हो गया। तो जब आपका फ्लो रेट जीरो है तो जो पंप का हेड आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, तो ये एच एस क्या हो गया यहाँ पे, मान लो ये मैक्सिमम हेड डेवलप्ड बाय द पंप है, लेकिन जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ रहा है आप देख लो वो क्या है आपका वेलो आपका हेड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा ये, करेक्ट, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। ये क्या हो गया ऑपरेटिंग
पॉइंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये पूरा सिनेरियो बनता है आपका कि कैसे आपका सिस्टम हेड कब क्या है और हेड डेवलप्ड बाय द पंप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक एक दो लाइन में मैं इसको समराइज करूं तो आप कैसे करते हो, क्या कह सकते हो, जो आपका हेड डेवलप्ड बाय द पंप है वो क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द पंप है, मतलब वो इसके उसके आउटपुट को दर्शाता है कि पंप कितना आउटपुट दे रहा है। सिस्टम हेड कब क्या है, वो क्या है, पंप के पंपिंग के लिए आउटपुट देने के लिए उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब बेसिकली आपका रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब आपका रेजिस्टेंस कितना कॉज कर रहा है जिसको पंप को ओवर कम करना पड़ेगा, देन ओनली आपका क्या है, पंप सही से माना जाएगा कि बेस्ट ऑपरेटिंग पंप है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस सिस्टम हेड कप के बारे में और हेड डेवलप्ड बाय द पंप। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और एक चीज़ और है कि इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पे अपने लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग मैकेनिज्म, कैविटेशन कब होता है, प्राइमिंग कब होता है, वो सारे केसेस को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी क्या होगा, आपको सिस्टम हेड कप, ये सारे पच्चीस सिस्टम हेड कप पता चल गया, पंप हेड कप पता चल गया, कैविटेशन के बारे में पता चल गया, प्राइमिंग के बारे में पता चल गया। इंटरव्यू में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको क्या जानना, पंप्स इन सीरीज में होता है, पंप्स इन पैरेलल में होता है, एफिनिटीज लॉज ऑफ पंप्स होता है, वो सारे चीज़ भी अपने लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अगर आपको और जल्दी चाहिए तो मैंने फ्लूड मैकेनिक्स के कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें भी मैंने ये सारे चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से भी मेरे वीडियोस को देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट your juniors, seniors or your colleagues, everyone can get benefited from this. So guys, thank you so much.